नमस्कार, टानीकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम आप तक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आए। बस हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वो तीन मैजिकल वर्ड्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है द हिमालयन। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे खाने का मजा हमारे मसालों में है। हिंदुस्तानी खाने में अगर मसाला कम हो तो माना जाता है कि शायद ये खाना बीमारों के लिए बना हुआ है। खाने का जायका उसकी पहचान होती है, इसलिए हम हिंदुस्तानी अलग अलग किस्म की डिशेस बनाना, उसे खाना और वो परोसना पसंद करते हैं। हमारी आज की कहानी हमें ले जाती है हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में। वहां के डाउनटाउन में एक छोटा सा इंडियन रेस्टोरेंट था जिसका नाम था द हिमालयन। हिमालयन को चलाते थे मीना और राहुल। ये पति पत्नी बड़ी मेहनत से अपना रेस्टोरेंट चलाया करते थे। दोनों को खाना खाना और खिलाने का बहुत शौक था। हिमालयन एक छोटा सा रेस्टोरेंट था और उसके आसपास बड़े बड़े दिग्गज रेस्टोरेंट थे जिसे सेलिब्रिटी शेफ चलाया करते थे। उनके बीच में रहकर भी हिमालयन में लोग खाना खाने जरूर जाया करते थे, क्योंकि हिमालयन की एक स्पेशल डिश थी जिसे चखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, और उस डिश का नाम था पहाड़ी दाल। पहाड़ी दाल की रेसिपी राहुल की दादी ने उसे दी थी और राहुल ने उसे एक एक्सपेरिमेंटल डिश की तरह अपने रेस्टोरेंट में शुरू किया, और बहुत जल्द ये डिश बहुत पॉपुलर हो गई और चलते चलते हिमालयन रेस्टोरेंट की मोस्ट पॉपुलर डिश में आ गई। पहाड़ी दाल की एक खास बात थी उसके अंदर डाला हुआ मसाला, जिसे राहुल की दादी उत्तराखंड से खुद अपने हाथों से पीस कर भेजती थी। राहुल और मीना दोनों का मानना था कि यह मसाला पहाड़ी दाल को बहुत खास बनाता है। उसकी खुशबू, उसका रंग और उसका जायका, और साथ में एक आफ्टर टेस्ट यानी खाना खाने के बाद जो स्वाद आप अनुभव करते हैं, वो बहुत खास था। अब इन मसालों में क्या पड़ता था वो राहुल और मीना नहीं जानते थे, क्योंकि इन मसालों की कोई पुरानी रेसिपी थी जिसे राहुल की दादी ने अपनी बड़ी बहन से सीखा था। खैर, पहाड़ी दाल के दम पर राहुल और मीना का रेस्टोरेंट द हिमालयन बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। एक दिन राहुल को फोन आया उसके अंकल का इंडिया से। उन्होंने बताया कि गई रात उनकी दादी की मृत्यु हो गई है। इस खबर ने राहुल का दिल तोड़ दिया। वो अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। इस वक्त अचानक हिंदुस्तान जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था, वो क्या कर सकता था। उसके घर वालों ने पूरा अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर राहुल और मीना को दिखाया, और समय के साथ धीरे धीरे लाइफ वापस नॉर्मलसी की तरफ बढ़ गई। दादी का गुजरने का गम तो था उसे, लेकिन धीरे धीरे दादी के हाथ का बना वो स्पेशल मसाला खत्म हो रहा था, और वो एक चिंता का विषय था। राहुल को लगा कि उसका हेड शेफ अयूब शायद इन मसालों को वापस बना लेगा, क्योंकि इतने टाइम से वो इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ऐसा गलत था। उन लोगों ने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए, लेकिन वो पहली वाली बात नहीं आ सकी। हिमालयन में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहें टाइनी कास्ट।